शफ़की को। शफ़क सब ठीक है ना? खैरियत है तुमने इस वक्त फोन किया। खाला की तबीयत कैसी है? शफ़क क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? कुछ तो बताओ क्या हुआ है, खाला ठीक तो है? क्या बोलूं, अब तो कहने को कुछ बाकी ही नहीं रहा उर्फी। क्या कह सकते, बस दुआ कर सकता हूं कि तुम खुश रहो। खुश? ये लफ्ज तो मेरी जिंदगी से बहुत दूर चला गया है। मैं तो बस अपना वक्त पूरा कर रही हूं। संभालो खुद को शफ़क, ये वक्त कमजोर पड़ने का नहीं है। जो होना था वो तो हो गया, इसे अपनी किस्मत समझ के हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। तुम्हें पता है कि मैं इस वक्त कितनी हसीयत में हूँ, कितनी तकलीफ में हूँ। सिर्फ मेरा दिल जानता है उर्फी, मैंने बहुत गलत किया, बहुत गलत किया मैंने। मैं गुनाहगार हूँ, मैंने जो बोया है मैं वही काट रही हूँ। दुख तो मुझे इस बात का है, मेरे किए की सजा तुम क्यों भुगत रहे हो? संभालो खुद को शफ़क। उर्फी, क्या थोड़ी देर के लिए तुम मेरे घर आ सकते हो, एक आखिरी बार? नहीं, मैं अब तुमसे नहीं मिलने आ सकता क्योंकि तुम किसी और की हो। ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज। कितना खुशकिस्मत हूं मैं कि मुझे तुम्हारा साथ मिलने वाला है। यकीन ही नहीं आ रहा कि ये सब कुछ सच होने वाला है। इस वक्त हमारे कमरे में ही खड़ा हूं, तुम्हारे इस्तकबाल का इंतजार कर रहा हूं। अच्छा, कैसा लग रहा है सब कुछ? वैसा ही किया ना जिस तरह मैंने कहा था? मुझे वीडियो बना के भेज दो। नहीं, कोई वीडियो बना के नहीं भेज रहा, मैं चाहता हूं अब तुम खुद आओ इस कमरे में, अपनी आंखों से देखो मेरे साथ। बाहर सब कह रहे थे कि बहुत नखरा है आपका, किसी की भी बात का जवाब नहीं दे रहे। क्या ये निकाह जबरदस्ती हुआ है? ऐसी बात नहीं है। तो दो बेटों के बाप से कोई खुशी से तो नहीं करता निकाह? खैर, शुक्र करो दोनों बेटों को मैंने मदरसे में डाला हुआ है दिन रात के लिए, घर में अकेली ऐश करोगी।
वैसे पहले शोहर से कोई लड़ाई झगड़े होते थे? ये जो तलाक हो गए? नहीं, वो दरअसल उसका जिक्र करते ही जान पड़ गई। सुनो, मैं मर्द हूं जरा गैरतमंद किस्म का, उसके ख्यालों को दिलो दिमाग से खरोच के निकाल दो, वरना अच्छा नहीं होगा, समझे? जी। अंकल, वो मैंने नाश्ता लगा दिया, आप आ जाएं। रुको बेटा, यकीन मानो इस दफा मैं कसूरवार नहीं हूंगा। दरअसल संभल ने तबरेज को दो ऑप्शंस दिए हैं, एक ये कि ऐश और आराम की जिंदगी चुन ले, दूसरी ये कि सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए तुम्हारे साथ चला जाए। आसाइशात नाम, इज्जत, मर्तबा, सब छोड़ देना नामुमकिनात में होता है। पता नहीं तब्रेज क्या फैसला करेगा। बेटी बड़ी हसास है, छोटा सा दिल है उसका, अकलौती बेटी है। सारी जिंदगी उसने जिस चीज पर उंगली रखी मैंने उससे लेकर दे दी, फिर उसने तब्रेज से शादी की ख्वाहिश जाहिर की। मान गया, पता नहीं है ये उसकी जिद थी या मोहब्बत, उसके इसरार करने पर मैंने उसकी ये बात मान ली। मुझे संभल की फिक्र के साथ तुम्हारा भी ख्याल आता है। अगर तब्रेज ने कोई ऐसा फैसला कर लिया जिससे तुम्हारी दिल आजारी होगी तो बेटा मैं अंकल एक बात कहूं? बोलो। बिल्कुल दुखी ना, हमें लगता है कि हम इंसान फैसला करने जा रहे हैं।
लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे रब की मर्जी के बगैर कोई फैसला मुमकिन नहीं। और मैं तो हमेशा से ही अपनी रब की रजा में राजी हूं। नाश्ता ठंडा हो गया, चले। क्या हुआ? माफी मांगने के लिए अल्फाज नहीं है तुम्हारे पास तब्रेज? कोई बात नहीं, समझ सकती हूँ। ये लो डिवोर्स पेपर्स। अदन को तलाक दे दो अभी और इसी वक्त। साइन इट। शर्मिंदा हूं आप दोनों से। आप दोनों की बदौलत ही मैंने वो दुनिया देखी जो मेरी ख्वाबों की दुनिया की मानिंद थी। उसी दुनिया में बस गया था मैं। बड़ा घर, बड़ी गाड़ियां, दौलत, से की चमक तमक का हिस्सा बन गया। शायद मैं यही चाहता था। यही तो जुनून था मेरा। उन्हीं रिश्तों की अहमियत, उनके हकूक, मैंने सोचा कि पैसे देकर सब मुकम्मल कर दूंगा और मैंने किया भी। मुझे लगा कि शायद वाकई में संभल कर जाने लगा। से शादी मैंने सुंबल सिर्फ अपने ख्वाब पूरे करने के लिए की थी। मोहब्बत मेरी दुर्यत से की है। Thank you.
तुम जानना चाहती हो ना सच क्या है? शायद यही वजह थी। दुर्योधन से शादी से इनकार नहीं कर सका, आज तक नहीं छोड़ सका उसे। सर, अब मुझे समझ आ गया, दौलत दौलतमंदों की ये बेकैफ जिंदगी, बहुत करीब से देख लिया मैंने इसे। मैंने बहुत कोशिश की है सर, बहुत। मैं नहीं बन सका आप लोगों की तरह, मैं नहीं बन सकता, मैं नहीं हूं वो। मैं अपनी सारी जिंदगी इस तरह तनहा खुद कर सो मतलब ही हो कि नहीं गुजार सकूंगा। मैं मर जाऊंगा सर, मर जाऊंगा मैं। माने का ये जो शॉर्टकट मैंने लिया बहुत गलत किया, मैंने बहुत बड़ा गुनाह, मुझे माफ कर दीजिए सर, प्लीज इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं नहीं छोड़ सकता यार, कसम से यार, मैं तुम्हारे साथ ज्यादती करना नहीं चाहता, नहीं चाहता तुम्हें छोड़ना। 20 साल में जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, मैं जानता हूं मेरी बेटी की माँ हो तुम, तारीख तुम क्यों जिद कर रही हो? बस मैंने पहले ही दुर्योधन के साथ बहुत जुल्म किया है, उसपे हुकूक न देखे बड़ी ज्यादती की उसके साथ, पता नहीं इस गुनाह के लिए मुझे मेरा अल्लाह कभी माफ करेगा या नहीं, मैं नहीं चाहता। प्लीज सो मच, प्लीज उससे और मजीद गुनाह मत करवा। बहने भी फैसला कर लिया है, मैं जा रहा हूं खाली हाथ हमेशा के लिए, तुम्हारे और अपनी बेटी के फराइज से भागूंगा नहीं। वो घर तुम्हारा भी है, तुम जब चाहो वहां आ सकती हो,
इस घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। फैसला कल भी तुम्हारे हाथ में ही था सुनी, आज भी तुम्हारे हाथ में छोड़े जा रहा हूं। हो सके तुम मुझे माफ करते रहो। प्लीज बेटा, प्लीज प्लीज नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। तबरेज, नहीं, नहीं जाने दूंगी मैं, नहीं नहीं। सुन मैं, सुन मैं, सुन मैं। मैं इसको जाने। नहीं, नहीं, डैड, डैड उसे रोक, उसे रोक, डैड उसे रोक। मैं से नहीं जा सकता तू, मैं कैसे वैसे जा सकता? मैं, तुम संभल संभल संभल। स्टॉप भाई, आपको क्या जरूरत है अपने पर्सनल इश्यूज को बिजनेस में इन्वॉल्व करने की? ओ तो मुराद ने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। मेरी मुराद से कोई बात नहीं हुई, विमल से बात हुई थी। आप मेरी वजह से अपना रिश्ता क्यों खत्म कर रहे हैं? ये तो शॉल है, किसकी है? मेरी। हे बाबा, तुम्हारे लिए लाया हूँ तो तुम्हारी होगी ना? मेरे लिए? जब भी तुम्हें ठंड लगे तो काम लेना। आप आ गए? सही फैसला किया है आप। अंकल ठीक ही कह रहे थे, साहिशात, इज्जत, नाम, रुतबा, सब कुछ छोड़ना नामुमकिन ही लगता है। मैं तो यहां आई इसलिए थी ताकि आप कोई फैसला कर सके। दो कश्तियों में सवार रहकर
आप भी बेसुकून रहते और मैं भी। मैंने अपना सामान बांध लिया है, आप मुझे गांव तायबों के पास ही छोड़ा है। बाकी की जिंदगी में ही हंसी खुशी गुजर ही जाएगी। एक मसला है, क्या करूं? ये घर, गाड़ियां, दौलत की चमक दमक अच्छा ही नहीं लग रहा। इस मुश्किल वक्त में तुमने मेरा साथ निभाया है ना, मुझे बहुत हिम्मत मिली है, हौसला मिला जिंदगी गुजारने की। एक नई राह दिखाई है तुमने मुझे। से पहले मुझे जिंदगी में कभी इतना सुकून और इत्मीनान नहीं मिला यार। गलती मेरी है ना, तो इसे सुधारूंगा भी नहीं। साफ नहीं चलता, तुम्हारी तरह बाकी सभी नहीं। लेकिन सिरात मुस्तकीम पर चलने की कोशिश तो कर सकता हूं। मैं आपका सामान बांध देती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं। यहां से मैं कुछ भी लेकर नहीं जाऊंगा। मेरे लिए तूने रखे तवा के
मुझे अपना मुजरिम ना समझिएगा। मैंने तबरेज को आपसे नहीं छीना, आपने खुद ही उनके सामने दो सूरतें रख दी। मैं या आप और आपकी ये शान और शौकत, ये फैसला तो प्रेस का है। तुम ठीक कहते हो। मेरे बच्चे अपने ज़ूम में भरे गए। तुम्हारी इबादत, तुम्हारी रियासत, दुआएं जीत गई। हम हार गए। गोद की आती है, कुछ दिन शायद मेरी गोद को याद करेगी, फिर ठीक हो जाएगी। आप बस इसका बहुत ख्याल रखिएगा। चलती हूँ, खुदा हाफिज़। पिताजी क्या हाल है? वो तो प्रेस यार, मैंने तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। बोले। ओ यार तो प्रेस, बस मैं ना वो अस्पताल आया था एक दोस्त की आदत करने के लिए।
और पुत्री तुझे मैंने वो रकम। इन बातों का कोई फायदा नहीं है अब्बा। क्या मतलब? मेरे पास कुछ होगा तो मिलेगा। कुछ नहीं है मेरे पास, मेरे हाथ में कुछ नहीं रहता। पुत्री मुझे लगता है कि तू ना आज जरा जल्दी उठ गया, तेरी नींदर पूरी नहीं हुई, मजाक कर रहा है तू बाप के साथ, है ना? बहुत देर हो चुकी है अब्बा, मैं और अतन वापस आ रहे हैं। वापस आ रहे? अच्छा चल ठीक है, आ जाओ जमझम आओ, तुम्हारा अपना घर है, तुम आओ फिर बात करते हैं। अल्लाह हाफिज। पुत्र सफिया। जी अब्बा, क्या हुआ? पुत्र वहां का है? अरे क्या हो गया, बाजू पे बाजे दे रहे हैं, सफाई कर रही थी इधर। हाँ जी। वो इधर तो आओ। हाँ जी। मेरी तबरेज से बात हुई, अभी कॉल की थी मैंने उसे। अच्छा है, वाकई क्या कह रहे थे, कब देंगे रकम? पुत्री साथ ले लो, आराम से बता रहा हूँ, तबरेज आ रहा है माशाल्लाह। आ रहा है? बीमार बीवी को छोड़ के वो कैसे आ सकता है? दुर्योधन उसके साथ है, मेरा ख्याल है वो दुर्योधन को छोड़ने आ रहा है। चलो ये तो खैर बहुत ही अच्छा किया, ऐसे भी अकल आई है उसे यहाँ छोड़ने आ रहा है। तो और क्या, मुफ्त की ऐशी कर रही थी वहाँ पे। हाँ बेगम साहब बन के बैठी हुई थी, मौजे ले रही थी उधर, आए आके सीधा घर संभाल ले अपना। अम्मा अब मैं बता रही हूँ, उसको उसकी औकात में रखियेगा। बस छोड़ो इन सब बातों को, क्या क्या पुत्र आ रहा है तुम्हारा, कोई रोटी पानी का बंदोबस्त करो। हाँ मैं देखती हूँ भला फ्रिज में क्या पड़ा है, गोश्त है चिकन है, मैं देखती हूँ जरा। अच्छा अब्बा मैंने ये कहना था, तबरेज भाई आएंगे ना तो उनसे जरा तफसील से रकम के बारे में बात कीजिए। तू फिक्र ना कर, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाए। हैं मेरा तो ख्याल है मौसम ना तब्दील हो गया, मैं जरा मच्छी ना पकड़ ला हूँ, मैं मच्छी का इंतजाम करता हूँ। मैं क्या सफिया मच्छी ना ले आऊँ, तेरी मच्छी मैंने रास्ते में देखी है, रहू मैं लेके आया। आ रहा है जरा खातर मदारत कर।